डायरेक्ट कृपा हो। भगवान के साथ दो तरह का है, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। तब जिसको अगर भगवान की डायरेक्ट कृपा हो पार्वती, तभी जीवन में भक्तों का संग, तभी हरि कथा जीवन में प्राप्त होता है। अभी ये फिलहाल हमें दो चीज मिला, मतलब हम लोग बड़े भाग्यवान हैं, हम लोग बड़े भाग्यवान हैं। आज हमें भगवान की कथा और भगवान की कीर्तन सुनने को, भक्तों का दर्शन मिल रहा है। शंकर जी कहते पार्वती जीव किसको मिलता है, पार्वती कहते ब्रह्म किसको मिलती है। बोले जैसे तुम्हारे घर में बच्चे का कोई बर्थ डे मना रहे हो, नहीं तो कोई शादी घर में बना रहे हो, आप बताओ उसमें कौन आएगा, बताओ बताओ कौन आएगा। आप उसको निमंत्रण दो, वही आएगा ना। अगर तुम्हारी घर को पास में 9 इंच दीवार को पास में एक का घर है, अगर आप उसको नौता नहीं दो, इन्वेस्ट इतना कार नहीं भेजोगे तो नहीं आएगा। अगर तुम 1000 किलोमीटर दूर, 10000 किलोमीटर दूर में अगर किसको आप और निमंत्रण देगो ना, इतना वहाँ से आएगा। लेकिन अगर पास वाले घर को अगर निमंत्रण नहीं दो, व्यक्ति तुम्हारे घर में नहीं आएगा। शंकर जी कहते पार्वती, तभी कोई व्यक्ति ये सत्संग में भगवान की कीर्तन है, तभी कोई आ सकता है। बोले कौन आ सकता है, बोले ठाकुर जिसको नौता भेजा है, ठाकुर जिसको नौता दिया, ठाकुर जिसको निमंत्रण दिया है, वही व्यक्ति ही केवल ये सत्संग में और भगवत कथा में पार्वती कहते पार्वती तो वही व्यक्ति आएगा, नहीं तो सभी ये कथा में नहीं आ सकते। मानो आज भगवान ने आप सबको घर में उन्होंने निमंत्रण कार्ड भेजा है, आपका घर में निमंत्रण कार्ड भेजा है, यहाँ पर भक्त आ रहे हैं, हरि कथा हरि कीर्तन होगी, इसलिए आप सबके सब यहाँ पर आओ। समझो भगवान की आज हम सबको घर में भगवान की बड़ी कृपा है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की देखो, आज हमारे पास में बहुत सारे भक्त लोग हैं, हम सबसे प्रार्थना करूँगा थोड़ी थोड़ी भगवान की कथा सुनाएंगे। बोले मेरा प्रार्थना है क्या कथा सुनाएंगे, कहते कलयुग केवल नाम आधारा और सुमेरी सुमेरी नर उतरे। इसलिए भागवत में सौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए, उसमें एक प्रश्न है कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय क्या है। इसलिए उसका उत्तर सुतो गोस्वामी बोलते हैं, जितने वेद जितने पुराण जितने उपनिषद यहाँ तक भी जितने बड़े बड़े भक्त महापुरुष हुए हैं, सबके सब एक ही बात कहते हैं, कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय है हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम राम राम। इसलिए आज सब भक्त लोग तो यही इसी टपी के ऊपर सब बोले, क्यों कलयुग में हरि नाम महामंत्र श्रेष्ठ है, हरि नाम करने से क्या होता है, कौन कौन हरि नाम किए, किसको क्या क्या मिला है। आज सबको मैं प्रार्थना करूँगा तो एक ही विषय पर सबके सब बोले। हमारे बीच में श्री रणी शुक्र प्रभु यहाँ पर कृपा करके पधार रहे, ये बहुत बड़े प्रचार हैं, अभी भी बहुत प्रचार कर रहे हैं, अभी वृंदावन में जा कर भी भजन कर रहे हैं, कांस में रह कर के हैं हरिनाम करना, ठाकुर का मंदिर दर्शन करना हैं, भगवान करते हैं। अभी प्रार्थना करता हूँ ये पहले सुर करें, और हमारे यहाँ पर कृष्णदास प्रभु है, रोहिणी शुक्र प्रभु है, नवीन महाप्रभु जी है, सब भक्त लोग थोड़े थोड़े सबके सब सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रवेशो विष्णुपाद श्रोतश परिपराजिकाचार्य शिशिमर भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद श्रोतश्र परिपराजिकाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद श्रोतश्र परिपराजिकाचार्य श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। हमारे मंच पर आसीन हमारे भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में मेरा अनंत कोटि प्रणाम। हमारे गुरु भाई और गुरु बहन जितने भी आए हुए हैं सबके चरणों में, श्रोता बिन सबके चरणों में मेरा
दंडवत प्रणाम। महाराज जी ने तो एक टॉपिक दिया है कि हरि नाम की महिमा जानी है, और हमारे कृष्णदास प्रभु जी मुझे 3 दिन से बोल रहे थे कि हम व्यास पूजा का हमने यहाँ पे मनाया नहीं है, तो आप गुरु की महिमा जानेंगे। लेकिन क्योंकि हमारे श्रीधर महाराज जी का ये आदेश है, तो मुझे उनका आदेश मानना पड़ेगा कि महाराज जी का आदेश थोड़ा सा बदला है हमारे लिए, कि थोड़ा सा मिला के बोलिए थोड़ा गुरु महिमा और हरि नाम। समय सीमित है, मैं यही चाहूँगा कि आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे कि गुरु की महिमा क्या है, उससे गुरु की महिमा से हरि नाम की महिमा हमें पता चलेगी। नहीं तो 1000 जन्म हम हरि नाम लेते रहे, अगर किसी सदगुरु की कृपा हमें नहीं मिली तो हमें हरि नाम कृपा कर ही नहीं सकता। महाराज ने बड़ी अच्छी बात बोली, और महाराज की आवाज में जो मिठास है मुझे शुरू से ही खींचती चली आई। मेरा इच्छा थी कि महाराज वो जो जगन्नाथ जी का जो भजन कर रहे थे, इतनी सुंदर आवाज में कर रहे थे, और अभी मैं महाराज के साथ जगन्नाथपुरी में था, तो मुझे तो क्योंकि महाराज जी वहीं से ही हैं, तो मुझे तो पूरा जगन्नाथ जी का पूरा सीन याद आ रहा था। मेरी इच्छा थी कि महाराज इसको पूरा भजन को करते, उनके आदेश का पालन करते हुए मैं कुछ देर के लिए गुरु महिमा के ऊपर कुछ कहता हूँ। लगभग कोई 10-12 साल पहले गुरुदेव ने मुझे कहा कि तुम आज कुछ बोलो। गुरुदेव दिल्ली में थे तो मुझे पता नहीं कि मैं क्या बोलूं, तो मैंने एक वैसे ही श्लोक गुरुदेव के सामने बोला था, तो वो ये था कि गुरुदेव को बहुत पसंद आया, और गुरुदेव ने कहा आज जो तुमने बोला है ये मुझे बहुत अच्छा लगा। उस श्लोक को हम अगर मनन करेंगे तो उसमें हमारे जीवन में कुछ निष्ठा भजन भक्ति के और गुरु के प्रति आती है, वो ये है नर देहम अद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लावम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम मयानुकूलेन निभास्व तरितम कूमं भवद्दिं गतरेत् स आत्मा। गुरुदेव सुन रहे थे इसको, बहुत लोग वहां पे थे, इसका मतलब क्या है हम समझेंगे। इसमें गुरु की महिमा भी गाई गई है, नर देहम अत्यंत सुलभम, अभी देखो ये मनुष्य जीवन मिल गया, अब नर देहम, नर मतलब मनुष्य, देहम ये शरीर तेरे को मिला है, सुलभम अब तेरे को मिल गया, सुदुर्लभम अत्यंत सुदुर्लभम, ये आम बात नहीं है कि तेरे को ये मनुष्य जीवन मिला है, क्योंकि ये 84 लाख योनियों के बाद अब तेरे को मिल गया। सुदुर्लभम, ये सु इसलिए लगाया गया, ये विशेषण है, दुर्लभ का भी विशेषण है ये, सुदुर्लभ अब तेरे को मिला है तो तेरे को क्या करना चाहिए। प्लावम, प्लावम मतलब किश्ती, प्लावम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम, किश्ती अगर समुद्र या नदी में है तो अगर उसके अंदर उसको चलाने वाला नाविक नहीं है, करण धार नहीं है, तो वो किश्ती कहाँ जाएगी, वो बहती जाएगी कहीं भी, उसका कोई लक्ष्य नहीं होगा, वो कहीं भी बहेगी। तो कहते हैं कि जो किश्ती बिना करण धार मतलब कैप्टन के, किश्ती का कैप्टन जो है उसके बिना चल रही है, तो उसका लक्ष्य क्या होगा, वो कहीं भी बह जाएगी पता नहीं कहाँ। तो उसी तरह से ये प्लावम, ये किश्ती मतलब ये शरीर रूपी किश्ती हमें जो मिली है, अगर इसका हमने कर्णधार, हमने गुरु धारण नहीं किया, तो ये वो किश्ती है जिसकी कोई दिशा नहीं और वो कहीं भी जाएगा। आप देखते हैं कि आज कोई किसी का लक्ष्य क्या है, कल लक्ष्य बदलता है, ये दुनिया दौड़ रही है, आप किसी से भी पूछ लीजिए, आपका आप जो सुबह से शाम तक दौड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, अरे भाई पैसे कमाने हैं, पैसे होने वाले को जिसके पास है उससे पूछिए आप क्या कर रहे हैं, हम फिर भाग रहे हैं उसके पीछे, और उसके बाद क्या, इनके पास लक्ष्य नहीं है,
कि ये जीवन खत्म हो जाएगा और सारा कुछ यही छूट जाएगा। ये लक्ष्य नहीं है इनके पास कि यही छूट जाना है। ये कौन देता है? गुरु। तो कहते हैं प्लावम सुकल्पम गुरु करण धारम मयानुकुलेना निभास्वतरितम। कि जितने वेद शास्त्र है ये वो हवाएं हैं जो हम संतों के मुख से सुन रहे हैं और हमारी किश्ती उस दिशा में जाएगी उनकी संतों की उस मुख की आवाज से जो हम उनको वो दे रहे हैं उस किश्ती को दशा दे रहे हैं। कुंभम पुरुष, जिस पुरुष ने ऐसा नहीं किया, जिस पुरुष ने ऐसा नहीं किया, क्या ये किश्ती इस शरीर मिलने पर जिसने कर्णधार मतलब एक गुरु नहीं बनाए आत्मा, हाँ उसने आत्महत्या करी। आत्महत्या कैसे करते हैं? हम जब बड़े दुखी होते हैं तो ऊपर से नीचे छलांग मार देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, जला देते हैं। मैंने अभी देखा है एक घर में बड़े सारे लोगों ने इकट्ठे ही एक फांसी लगा दी। किसी ने मुझे टीवी पे वो दिखाया मोबाइल पे, आजकल तो बड़ी गंदी गंदी शक्लें दिखाने को मिलती है। हम कह भी लेते भाई इतना गंदा तुम यहाँ पे रहते हो, कितना दुख है इस संसार में, एक ही परिवार के इतने सारे लोगों ने फांसी लगा दी है, ये आत्महत्या तुमने सोच के करी। और ऐसे लोगों को क्या मिलेगा? भूत योनि। क्योंकि हमने उस शरीर की कीमत नहीं पहचानी। ये भगवान का सबसे बड़ा एक तोहफा है हमारे लिए। और ये किसके लिए है? ये ऐसी किश्ती जो इस संसार के भव सागर से दूर पार कराने को है। इसीलिए महाराज कह रहे थे ना, इस हमारे उसी चीज को मैं दूसरे शब्दों में डालता हूँ, दुख मध्य कौन दुख वही गुरु तंग, कृष्ण भक्त संग बिना दुख नहीं देखी पा। क्या कहते हैं? अगर दुख है ना इस संसार में तो एक दुख है, क्या बहुत दुख होंगे हमको, लेकिन इससे बड़ा दुख नहीं हो सकता कि एक वैष्णव के हमें संग मिला। और वो वैष्णव क्या करता है? हमें हरिनाम देता है और इस संसार के भव सागर से हमें पार कराने का मौका देता है। तो ये जो गुरु की महिमा की बात मैंने करी थी, कल एक शब्द मैंने बोला था, उस शब्द को मैं पूरा करना चाहता हूँ यहाँ पे। क्योंकि हमारे कुछ ऐसे भक्त लोग जो बार बार सुन रहे हैं इस बात को, जब मैंने गुरुदेव से सुना था मुझे भी कुछ दिन लग गए थे। हमने अभी देखिए व्यास पूजा मनाई जा रही है, गुरु की महिमा गाई जा रही है, हर मंदिर भरा हुआ है। और जो तो छोड़िए मेट्रो में जब मैं आ रहा हूँ, आपको पता है एक बोर्ड एडवर्टीजमेंट का जो आप देखते हैं कितने का है? आप एडवर्टीजमेंट स्टेशन पे देखते हैं कितने का है वो? लाख रुपए का थोड़ा सा बोर्ड है। और महाराज जी वहां पे बड़े बड़े वृंदावन की फोटो संतों की, आइए 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 हम आपको व्यास पूजा में दीक्षा देंगे। वो ये नहीं सोच रहे कि शिष्य क्या कर रहा है। तो लाखों रुपया ये खर्चा जा रहा है, ऐसे गुरु आह्वान करते हैं आइए आइए, मैं तो नरक में जाऊंगा आपको भी लेके जाऊंगा। दीक्षा का ये मतलब नहीं है कि गुरु ने शिष्य को धारण कर लिया, गुरु के पास अपना गुरुत्व है और शिष्य को वो देता है, उस गुरुत्व को देके गुरु शिष्य को जन्म मृत्यु के बंधन से पार कराता है। और गुरु वो होता है जिसको उसके धाम के दर्शन हुए पड़े हैं। चौथे अध्याय का 34वां श्लोक क्या बोलता है, बड़े ध्यान से सुनिए। तद विधि प्रणिपाते भगवद्गीता प्रणिप्रश्नेन सेवाया। विधि क्या है? विधि यही है कि आपको गुरु के पास जाना पड़ेगा। नहीं जी आजकल गुरु बड़े धोखेबाज हो गए, हम जाते ही नहीं है, हम मंदिर भी नहीं जाते हैं, गुरु के दर्शन नहीं करते, सब ढकोसला है। ये बात ठीक है कि ढकोसला है, लेकिन अभी भी संत लोग हैं जिनकी शरण लेनी पड़ेगी। तो कहते हैं कि अगर अगर आपको उस गुरु नहीं मिलेंगे तो आप हरिनाम लेते भी रहेंगे, फिर भी वो हरिनाम में वो कुछ नहीं कर पाएगा जब तक किसी सदगुरु की संत की कृपा नहीं पड़ेगी। मैंने कल एक शब्द बोला था कि मठों से ही गुरु बनते हैं या गुरु से मठ बनते हैं। एक व्यक्ति ने आके मुझे प्रश्न पूछा, प्रभु जी अगर मठ नहीं होते तो आज इतना बड़ा जो हमने आज गुरु की महिमा का ही हो सकता था? ये किसी ने मुझे आके पूछा। मैंने कहा अभी मैंने बोला ही नहीं, पूरा समय कम था इसलिए मैं बोल नहीं पाया। मठों से गुरु बनते हैं कि गुरु से मठ बनता है, मठों से गुरु बनते हैं या गुरु से मठ बनता है? मैंने उसकी बात को माना कि मठ अगर ना होते तो हरि कथा भी नहीं हो सकती थी, आप लोग नहीं बैठ सकते थे, हम लोग हरि कथा नहीं कर सकते थे, तो मठ होना तो जरूरी था।
लेकिन मठों से गुरु बनते हैं या गुरु से मठ बनते हैं, अभी ये बात हमने समझ नहीं आई। तो इन दोनों में बड़ा कौन हुआ? मठ से गुरु बनते हैं कि गुरु से मठ बने? तो सदगुरु अपने हृदय की उस शक्ति से मठों को बनाते हैं। मठ किसको कहते हैं? मठ किसको कहते हैं हम? वही मठ जो मठ मंदिर है। जब आप उसके अंदर प्रवेश करेंगे तो जब आपकी श्रद्धा बढ़ती है अगर वहां जाके, तो उसका नाम क्या होता है? वो मठ होता है। अगर वहां पे जाके ऐसा नहीं हो रहा तो वही मठ को क्या कहते हैं? ईंट पत्थर की इमारत। क्योंकि हमारे गुरुओं ने इस बात को किया, वही राधा कृष्ण की मूर्ति को उन्होंने बोल दिया कि ये पत्थर है अगर जिसने संत को नहीं पहचाना। क्यों? क्योंकि संत ही हमें दृष्टि देता है उसमें प्रवेश करने की। अब वही मठ मठ है अगर उसमें भक्तों की श्रद्धा बढ़ रही है और संतों का वास है वहां पे। अभी एक जगह मैं जाऊंगा, वहां पे बहुत बड़े बड़े धनाढ्य परिवार के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। हमारे ये सुनील मित्तल एयरटेल के जो है वो बैठे होंगे वहां पे। 18 सितंबर राजी राधा अष्टमी मनाई जा रही है वहां पे। 1 करोड़ रुपए का बजट है और उसमें जो बोला जा रहा है वो क्या है? मुझे ये बोला गया कि आप अंग्रेजी में बोलेंगे, लेकिन उस अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? देखिए वहां पे लोग ना ये मंदिरों की बात नहीं सुनेंगे ज्यादा। तो टॉपिक क्या है? क्या मंदिर जाना कलयुग में जरूरी है? ये टॉपिक है। क्या महाराज जी आप बोल पाएंगे? मैंने कहा हाँ जी बड़ा अच्छा टॉपिक है, हम जरूर बोलेंगे। अच्छा महाराज जी क्या लेंगे आप? आपकी क्या फीस है? ये इवेंट मैनेजमेंट कंपनी जो 25 लाख रुपए ले रही है 3 दिन का, उन्होंने मुझे पूछा कि आप क्या फीस लेंगे? तो मैंने बोला कि मैं कोई फीस नहीं लेता हूं, मैं धर्म को बेचता नहीं हूं, हम आपको सुनाने आए हैं और हम दान देंगे आपको। महाराज जी वहां तो बड़े बड़े वो बैठे होंगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम कोई फीस लेंगे नहीं, लेकिन आप हमें 3 दिन के लिए बुलाइए, 1 दिन नहीं। उनका 3 दिन का प्रोग्राम है और 1 करोड़ रुपया खर्चा जाएगा, उसमें लाखों के फूल लगेंगे। और क्या त्योहार है पता है? ये कई सालों से उनका परिवार मनाते आ रहा है। वो डालमिया परिवार है, सीमेंट के बड़े बड़े उनके प्लांट चले 19 साल वगैरह में, और वो कई सालों से कुश्ती राधा अष्टमी मना रहे हैं। ये राधा अष्टमी है, उनको ये नहीं पता होगा कि राधा जी कौन है और कृष्ण कौन है, नहीं पता। जब वो ये बोल सकते हैं अरे मंदिर जाना जरूरी है, गुरु नहीं है उनके। अगर मंदिरों से ही भक्त बन जाते तो क्या बिरला ने कोई कम मंदिर बनाए हैं? उसने हर तीर्थ स्थान पे मंदिर बनाया हुआ है, क्या वो भक्त बन गया? और पैसे से भी भक्त नहीं बन सकते। जब तक एक सदगुरु की कृपा नहीं पड़ती है उसके ऊपर, जिसके ऊपर जो संत कृपा करता है उसी को सदगुरु कहते हैं। मैंने जैसे बोला मठों से ही गुरु बनते हैं या गुरु से मठ बनते हैं, दोनों ही एक दूसरे के सहायक हैं। अगर मठ ना होते तो फिर गुरु कहाँ रहते और आप लोगों को ये हरिनाम कैसे दे सकते थे? तो लेकिन बुरा मत मानना, 33,000 मंदिर आज से 10 साल पहले दिल्ली सरकार में रजिस्टर्ड थे, 33,000। अब वो बढ़ के हो गए 50,000 मंदिर दिल्ली में रजिस्टर्ड है, और जो मंदिर दिल्ली में रजिस्टर्ड नहीं है वो अलग है। इसका मतलब लाख के करीब मंदिर है दिल्ली में, हर गली के बाहर एक मंदिर है। क्या मंदिरों की कमी है? कमी नहीं है, हरी कथा और उन संतों की कमी है। अब अगर आप बताइए मेट्रो स्टेशन के अंदर संत लोगों की फोटो लगी है कि आइए, तो उसने कितना पैसा लगाया है? तीन स्टेशन पे तो मैंने देखा वृंदावन के बड़े बड़े तिलक लगाए हुए, तो उसने 3 लाख 3-4 जगह तो इसी लाइन में खर्चा हुआ है, इतने लाखों रुपया लग रहा है। तो वो क्या चाह रहा होगा मुझे पता नहीं। तो हमें ऐसे संत हमारे बहुत ही
ऐसे सौभाग्य है कि हम ऐसी परंपरा से जुड़े हैं जिनको अगर हम सुनेंगे तो हम कहीं और नहीं जा सकते, हम जाके भी देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम किस परंपरा से जुड़ गए। एक ऐसी संतों की परंपरा हमारी एक ऐसे सौभाग्य है कि अगर हम अपनी इस परंपरा को सुन लेंगे कहीं भी जाए हम वहां पे बैठ ही नहीं पाएंगे। तो ये गुरु की महिमा है कि बिना गुरु की कृपा के हम और गुरु ना सा स्वजनो पिता ना सा स्वजनो पति ना सा स्वजनो श्रीमद भागवतम। अरे गुरु को गुरु बनने का अधिकार नहीं है अगर वो अपने शिष्य को जन्म मृत्यु के बंधन से ना छुड़ा सके। पिता ना सा स्वजनो, स्वजन मतलब पिता के स्वजन कौन होते हैं, स्वजन अपने जन कौन पिता के कौन होते हैं, उसके परिवार पिता के बच्चे। पिता को पिता बनने का अधिकार नहीं है, बच्चे तो सब पैदा कर रहे हैं बंदर कुत्ता बिल्ली कर रहे कि नहीं, पिता को पिता बनने का अधिकार नहीं है। जननी ना सा स्वजनो माँ को माँ बनने का अधिकार नहीं है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, भोग वृत्ति, माँ और बाप एक भोग वृत्ति और हमें बच्चा नहीं चाहिए, गर्भपात, गुरु नहीं होता, गुरु के पास जाओ वो कुछ नहीं बताएंगे। हमारे यहाँ पे गर्भ धारण करने का भी पूरा पूरा संस्कार लिखे हुए हैं, गर्भ धारण कैसे होगा, एक बच्चा अच्छा संतान कैसे आती है, ये सब हमारे गुरु सदगुरु हमें बताते हैं। गर्भपात ये क्या है, इसीलिए ऐसी संतानें आ रही हैं जो घर में से ही माँ बापों को धक्का मार के बाहर निकाल देती है। तो गुरुवरों का हमारे पे कृपा है कि उन्होंने हमें ऐसी परंपरा से जोड़ा, ऐसी वाणी दी। और समय कम होने पर मैं हरि नाम के ऊपर कुछ बोल देता हूँ, महाराज की ऐसी आज्ञा है, वो मुझे आदेश दे रहे हैं। तो विपन्ते दुहितानि मोह महिमा सब मोह मा लंबते सातंक नखरंजनी कलयति श्री चित्रगुप्त कृति सानंद मधुपर विदौ विदा करोति उद्यम वक्तुम नामिनी तत्मन वक्तुम नामिनी तुरेश अभिलाषिते त्वम। ये पद्यावली का श्लोक रूप गोस्वामी ने वहां पे इसको दर्शाया। वो क्या कहते हैं कि भगवान की महिमा का नाम की महिमा क्या है, कहते हैं पापी से पापी व्यक्ति बहुत पाप कर लिए उसने, विपन्ते तू ही तानी कांपने लगते हैं उसके सारे पाप, उसी के उसने पाप करे हैं उसके अंदर भरे पड़े हैं, कांपने लगते हैं उसके हृदय में जितने भी पाप हैं कि अब हम कहां जाए, उस व्यक्ति के जिसने बड़े पाप करे। विपन्ते तू ही तानी मोह महिमा सब मोह मा लंबते कांपने लगे मोह में पड़ गए सारे पाप उसके कि अब हम कहां जाए, आदमी ने तो पाप बंद करने का सोचा है। विपन्ते तू ही तानी मोह महिमा सब मोह मा लंबते सातंक नखरंजनी कलयति श्री चित्रगुप्त कृति। ये चित्रगुप्त कौन है पता है, यमराज जी के सेक्रेटरी, आप जो जो काम कर रहे हैं चित्रगुप्त जी लिख रहे हैं वहां पे, इसने ये पाप किया इसने ये पाप किया इसने ये पाप किया लिख रहे हैं। कहते जिस व्यक्ति ने सिर्फ वक्तुम नामिनी तोरेश अभिलाषिते, जिसने सिर्फ अभी ये सोचा, अभी नाम नहीं लिया, अभी उसने नाम लेना शुरू नहीं किया लेकिन सोचा, जैसे अब कई लोग होंगे यहाँ पे कुछ लोग जो जिन्होंने नाम नहीं लिया वो सोच रहे हैं इतनी बारी महिमा सुन के हम नाम लेंगे, अभी नाम मुख से निकला नहीं। तो कहते हैं जिस व्यक्ति ने ये सोच भी लिया वक्तुम अपने मुख से वक्तुम नामिनी तोरेश अभिलाषिते तत् मान्ये पर, उसने सिर्फ अभिलाषा करी है कि ये मैं नाम लूंगा, अभी नाम लिया ही नहीं है उसने, तो कहते हैं कांपने लगे उसके सारे पाप, उसके शरीर में बैठे हुए सारे पाप कांपने लगे कि अब हम कहां जाएंगे। और ऊपर बैठे चित्रगुप्त वो कहते हैं अरे सानंद नखरंजनी कलयति श्री चित्रगुप्त कृति, उनकी लेखनी कांपने लगी वहां पे,
कि मैंने इतने सारे इसके लिख दिए थे, मेरा क्या होगा, मेरा पाप कहा जाएगा अगर मैंने इसका नाम लिख दिया, क्योंकि इसने सोच लिया कि मैं भगवान का नाम लूंगा। अभी सिर्फ सोचा तो ऊपर बैठे हुए चित्रगुप्त उनकी लेखनी क्या कर रही है, कांपने लगी कि मैंने इसके पाप लिखे क्यों है, नहीं तो कहीं यमुना जी मुझे नरक में ना डाल दे। सानंद मधुपत विदौ विदा करोति उद्यम, और स्वयं ब्रह्मा जी जिन्होंने ये सृष्टि रची है, सानंद बड़े आनंद होता है उनको कि मेरी सृष्टि में किसी व्यक्ति ने सोचा कि भगवान का नाम लेगा, तो वो क्या करते हैं, भागते हैं मधुपत, क्या करते हैं उसकी आरती उतारने के लिए, मधुपत मतलब शहद इकट्ठा करते हैं, दिया इकट्ठा करते हैं, भागने लग जाते हैं कि मैं इसकी आरती उतारूं, क्योंकि इसने सोच लिया कि मैं भगवान का नाम अभी लूंगा, अभी लिया नहीं, और ब्रह्मा जी भागने लग गए। वक्तुम नामिनी, उसने सिर्फ वक्तुम अपने मुख से नामिनी तोरेश अभिलाषिते, अभिलाषा करी अभी, अभी नाम ही नहीं लिया, तो सोचिए कि जो लोग नाम ले रहे हैं उनकी क्या महिमा हम गाए। और ये नाम तब निकलता है मुख से जब किसी सदगुरु की कृपा पड़ती है। तो महाराज जी ने बोला है, और भी हमारे भक्त लोग हैं, तो ये थी अभी नाम की महिमा, अभी शुरू नहीं हुई है, क्योंकि उस भक्त के मुख से भी नाम निकला नहीं, लेकिन ब्रह्मा जी भागने लगे और चित्रगुप्त जो है उनकी लेखनी, जो पाप लिखती है हम सबका, उसकी लेखनी गिर गई। ये है नाम की महिमा, तोरेश अभिलाषिते कत मान्य परम, कहते हैं जिसने नाम ले लिया तो उसकी महिमा हम क्या गाए। तो ये है नाम की महिमा। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अरे आपने कल भी कुछ नहीं बोला है गुरु की महिमा, तो ऐसे महाराज जी को आपकी तो जीवात्मा प्रभु जी आ जाओ नमस्ते गुरुदेव आयास जी उपाय प्राप्त महाराज, वो इंग्लिश में बोल रहे थे, मैं उनके साथ में ऐसे बैठा था,
मैं बोला नीता ही को रंगो, नीता ही को रंगो, ऐसे मुझे निकल गया नीता ही को रंगो। मैंने किससे पूछा ये क्या है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण तो चल रहा था एकदम, नीता ही को रंग क्या, तो ये तो ऐसे समझाने लगे नीता ही को रंग। मैं समझने लग गया उनकी बात में, समझ बैठ गया। उन दिन वो आज दिन मुझे याद है, 28 जनवरी कोई कहानी में कभी तकबल 28 साल हो गए हैं, कैसे कैसे किया है उल्टा सीधा, जैसे जैसे नाम ले रहे हैं थोड़ा बहुत ये नारायण की महिमा, मेरे ऊपर लागू तो नहीं होती। हाँ मान जी महाराज उनके ऊपर जरूर लागू होती है, इनके बुखार बिंद से मैंने ये सुना कि दीता ही पर। तो मुझे अच्छी दिन याद है, तो जब ये पूजा का दिन नजदीक आता था, अरे हम जब स्कोल में थे तो वहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, वहाँ पर तो महाराज जी का जब उनका अभिनय डे होता था गोपाल कृष्ण महाराज जी आने आने महाराज होता था, उस दिन वो व्यास पूजा का सेलिब्रेट करते थे। तो जिस तरह से हम व्यास पूजा हम मनाते हैं, ये वाली जो सावन के महीने में आती है, तो वहाँ पर कोई प्रचलन नहीं था ऐसा। जब महाराज के सन्निधि में आए तो जिस दिन याद है वो ये याद वो हम वहाँ रहते थे पूजा वाली नेक्स्ट लेवल, मच्छर काटते थे, कोई सुविधा नहीं थी मठ में, कोई नहाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, फिर किस तरह किस तरीके से हम एडजस्ट करके रात को मार उठते थे। और शाम को तो महाराज जी बोलते थे, शाम को बोलने के बाद रात हो जाती थी, होटल में रहने का मन नहीं करता था, वहाँ तो महाराज की वाणी थी, तो वही ये सुनाते थे कि व्यास पूजा किसको बोलते हैं, व्यास देव कौन है, एक प्रीति को बोलते हैं, ऐसे एक प्रीति डाल दी जाए उस कोने से लेके इस कोने तक, अर्थात वहाँ पर गुरु है, वहाँ पर कृष्ण है, जो बीच में जीवा उसको जो बुलाने वाले कौन है, गुरु। ऐसे वो प्रश्न की कथा सुनाते थे, कैसे सत्यवती के वेद दास जी का जन्म। तो इस तरह से जो है जो मैंने अपने इस जीवन में सुना, मैंने कुछ आपको शंख पाने की कोशिश की। एक बार शालीमार बाग के अंदर मारे थे, चार पांच लोग थे माधव महाराज थे, मैं दो लोग थे, तो माधव को बोलने लगे महाराज क्या बात भाई काम पे नहीं जाता आजकल, क्योंकि महाराज जी आप कथा करनी बंद करोगे तो कोई काम पे जाएगा, आप कथा चलती है काम पे कौन जाएगा। उसी क्षण में एक बड़ी अमीर महिला बड़ी लंबी गाड़ी पे उतरी और मेरे से पूछने लगी यहाँ पे गुरु आए हुए हैं, ये गुरु वापस लगे। मैंने कहा दीदी पूछ रहे थे कि ये गुरु ने मिला मुझे, महाराज मुझे इशारा किया तो वो चले गए। मैंने महाराज बोले थे कि कहीं क्या चीज है ये, ये तो तुम्हें समझ नहीं है इस चीज की, इसने किसी से पूछा था कि कोई गुरु आए हुए, इसके दिमाग में ये था कि गुरु का बड़ा वैभव होगा, कोई 500-700 शिष्य साथ चलते होंगे, वो बड़ी लंबी लाइनें होंगी, मैं उस लाइन में खड़ी होकर गुरु को मिलूंगी, वो इस अट्रैक्शन से महाराज को मिलने के लिए आई होगी। महाराज ये बात बोली केस के दिमाग में यही बात घूम रही होगी कि भाई अब यहाँ कोई लाइन नहीं, गुरु खाली बैठे हैं, ये क्या गुरु होंगे, हरे कृष्ण नमो विष्णु पादाय श्रीवादि कार्य प्रयाग में श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी के मंदिर श्री कृष्ण लीला कथन सुरक्षम प्रभारे माधुर्य गुण स्वरूपम परम परण्य पुरुषम महात्म नारायण तुम सचान महा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत वेदांतर श्री वासानी श्री गौर भक्तवृंदा सभी बोलेंगे हाथ ऊपर करके हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम
राम राम हरे हरे सर्वप्रथम अपने गुरु जी कृपिला प्रवेश ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वरदान नारायण गोस्वामी गुरु जी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात पूज्यपाद भक्ति वरदान श्रीधर महाराज जी और पूज्यपाद आर्य गौरीनंदन प्रभु जी और समस्त वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में आप सभी के चरणों में मेरा यथायोग्य धन्यवाद। प्रभु जी ने मुझे आदेश दिया है महाराज जी ने बोलने का, हालांकि मुझे बोलना तो आता नहीं है पर फिर भी महाराज जी का आदेश है तो मैं थोड़ा बहुत प्रयास करूँगा। देखिए हम पहले आप बताइए आप सब लोग पहली बारी जो सत्संग में आए कितने लोग आए हैं जो कृष्णदास प्रभु जो हमारी कथा करते हैं यहाँ पे हर सैटरडे को कितने लोग पहली बारी आए हैं शरम मत कीजिए पाइन नहीं लगेगा। देखिए जो भगवान के नाम की महिमा का बोला गया है इन्होंने पहले भी कई बार बताया होगा भगवान की महिमा के ऊपर भगवान के नाम की महिमा तो इतनी है अनंत शेष जी अपने लाखों मुखों से अपने भगवान के नामों की महिमा गाते हैं लेकिन वो कहते हैं मैं अभी स्पर्श तक नहीं कर पाया। जब वो अनंत शेष जी भगवान के नाम की महिमा को स्पर्श नहीं कर पाए तो मुझ बच्ची की क्या महिमा की क्या हैसियत की मैं उनके नाम की महिमा को बखान करूँ। लेकिन फिर भी जो कुछ गुरु वैष्णव के मुख से सुना है उसी का अपना बोलने का प्रयास करूंगा उन्हीं की वाणी को। देखिए भगवान का नाम एक नाम में इतनी शक्ति है कहते हैं नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। इस तरह से श्लोक है चैतन्य शिक्षाष्टक में कि भगवान ने अपने नाम में सारी शक्तियां डाल दी हैं। जिस जिस नाम की जो जो महिमा है उस हिसाब से भगवान ने उसमें सारी शक्तियां डाल दी हैं लेकिन फिर भी हम इतने वो हैं कि हमारा ऐसे भगवान के नाम से जो भगवान स्वयं जो भगवान के शुद्ध भक्त जो अश्रुपात होता है इनका हमारा ऐसे भगवान के नाम में मन नहीं लगता। भगवान का एक नाम क्या कर सकता है क्या करता है हमारे सारे पापों को खत्म करने की शक्ति रखता है जितना एक जीव पूरी जिंदगी में पाप नहीं कर सकता लेकिन हमारा फिर भी ऐसे भगवान के नाम में मन नहीं लगता। ये संत महात्मा प्रभु जी हमारे महाराज जी अपना घर बार छोड़ के देश विदेश प्रभु जी वृंदावन रह रहे हैं महाराज जी देश विदेश में जाकर प्रचार कर रहे हैं किस लिए ये नाम की महिमा को गा रहे हैं। ये भी चाहे तो मठ में रह के आराम से एक स्थान पे रह के नाम अपना भजन कर सकते हैं लेकिन जब ये देखते हैं कि संसार के लोग इतने दुखी हैं तो इनके हृदय में ये होते हैं वैष्णव होते हैं दयालु होते हैं परम दयालु। भगवान में जितने गुण हैं वो सब भक्तों में आते हैं तो भक्तों का जो गुण है दयालु तो भगवान ये भक्त में दयालु होते देखते हैं ना जब जीव सारे संसार में दुख पा रहे हैं इनका कल्याण का क्या उपाय है वो है एकमात्र भगवान का नाम। कहते हैं इस संसार में कलयुग में सब में दोष है कले दोषे विधे राजन हस्ती योगो महान गुणा कीर्तना देव कृष्ण से भक्त संग परम भजे। कहते हैं हे राजन कौन कह रहे हैं सुखदेव महाराज जी सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज जी कह रहे हैं हे राजन इस कलयुग में सबके अंदर दोष है दोषों की भंडार है दोषों के लेकिन क्या है एक जो है कले दोषे विधे राजन हस्ती योगो महान गुणा लेकिन इसमें एक गुण है वो क्या है कीर्तना देव कृष्ण से भगवान कृष्ण के नामों का कीर्तन करने से क्या होगा मुक्त संग परम भजे साथ ही साथ हमें क्या होगा हम इस भवसागर से पार हो जाएंगे। जैसे भी प्रभु जी नित्यानंद प्रभु जी की महाप्रभु की बात बता रहे तो देखिए कहते हैं एक श्लोक आता है अय भापना कली कलुषिणा किनु भविता। इस तरह से एक श्लोक आता है समय कम है श्लोक का उच्चारण ना करते हुए मैं उसके अर्थ पे आता हूँ। कहते हैं कि महाप्रभु नित्यानंद प्रभु से विचार करते हैं नित्यानंद प्रभु महाप्रभु से विचार करते हैं कहते हैं हे मेरे प्यारे भैया कि इस कलयुग में कैसे जीवों को उद्धार होगा कैसे कल्याण होगा इसका क्या उपाय है कृपा करके आप बताइए अगर आपने अस्त्र शस्त्र उठा लिए तो क्या होगा कलयुग में कोई एक भी जीव नहीं बचेगा। तो फिर अगले में कहते हैं अरे भावना कलु कलुषिणा कलु भविता तथा प्राश्चितम इसका प्राश्चित क्या होगा कलयुग में जितने भी लोग कुछ पाप करते हैं कुछ भी करते हैं कहते हैं एकमात्र भगवान के नाम से ही उन सबका मंगल होगा। कहते हैं हरे नाम ही केवलम एकमात्र कलयुग में क्या है हरि का नाम इसके अलावा दूसरा और कोई उपाय नहीं है। इसलिए हमारी आप सब लोगों से प्रार्थना है जो लोग हरि नाम नहीं करते माला नहीं करते वो महाराज जी आए हुए हैं बहुत मुश्किल से हमें सब संतों का समागम होता है जैसा कि महाराज जी ने बताया शिव जी और पार्वती जी की कथा के माध्यम से बहुत मुश्किल से हमें क्या मिलता है संतों का दर्शन होता है। ये दर्शन ही दे रहे अपने हृदय की जो परिवार संपत्ति है ये खोल कर दिल खोल के आपको बांटने आए हैं लेकिन हम लोग क्या है हम लोग आराम से बैठे रहेंगे
कुछ करने की हमारी इच्छा नहीं है, हम सोचते हैं हमें कोई आके दे दे तो हम करेंगे, ये देने आया तो ले लीजिए। जैसे आप मेरे को सच सच बताइए सभी लोग, कितने लोग माला करते हैं नियम से रोज और कितने नहीं करते, सॉरी ये बताइए कितने नहीं करते, सच सच बताइए, झूठ नहीं बोलिए। सरल बात कीजिए, महाराज जी सबको इनाम देंगे। ठीक देखिए, कहते हैं जो भगवान का जो नाम है ना यही मंगल करेगा, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। लेकिन हम करते क्यों नहीं है, इसका एक ही कारण है, क्योंकि हमें भगवान के नाम की वैल्यू भी पता नहीं है। अभी हमें वैल्यू किस चीज की पता है, अभी हमें पैसे की वैल्यू पता है, टका टका करते हैं ना सुबह से लेकर शाम तक। कहते हैं जो व्यक्ति मरते समय जिस चीज का चिंतन करेगा वो उसका उसी हिसाब से उसको जन्म में जाना पड़ेगा, उसी हिसाब से उसका भाव होगा। तो मरते समय हम क्या करेंगे, जो जन्म भर किया है, अगर जन्म भर हमने किया टका टका, तो मरते समय भगवान का नाम नहीं निकलेगा मुंह से। और अगर भगवान का नाम, भगवान का धाम, ऐसा कोई चिंतन नहीं होता तो हम 84 लाख जीवन में भटकते रहेंगे। लेकिन अंत समय में अगर भगवान का नाम निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, एकमात्र भगवान कृष्ण के नामों का कीर्तन करना पड़ेगा अभी से। जैसे कि प्रहलाद महाराज बोलते हैं, तुम्हार आचरण भागे हो भगवान भागवत आने, इस तरह से श्लोक है। प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं 5 साल की आयु से हरिनाम करो, 5 साल की आयु से, बचपन से ही करो वैसे तो। लेकिन फिर भी बाल्यकाल एक व्यक्ति की जो 5 साल तक के बच्चे को कोई दोष नहीं लगता, इसलिए 5 साल की आयु से हरि भजन करो, हरि नाम करो, क्योंकि नाम के बिना और कोई व्यक्ति नहीं। कहते हैं कुमार आचरित प्राप्ति हो भ्रमान भागवता ने दुर्लभम मनुष्य जन्म, जैसे कि बाबू जी ने बताया हमारे कि 84 लाख जोनियों के बाद हमें मनुष्य जन्म की प्राप्ति होती है, सुदुर्लभ है, दुर्लभ नहीं सुदुर्लभ, इसमें विशेषण आएगा। तो इतनी मुश्किल से अगर आपको ये पता चला है कि हाँ भाई हरिनाम करने से हम 84 लाख जन्मों से पार जाते हैं, सिर्फ मनुष्य जन्म में ही हम भजन करके इस भवसागर से पार हो सकते हैं। लेकिन अगर हम पार नहीं होंगे, हरिनाम नहीं करेंगे, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब जैसा कि मैंने पूछा था कि आप लोग बताइए कि कौन कौन हरिनाम नहीं करता, अगर हम बोलेंगे ना आज भी आप हरिनाम करो, हो सकता है आप आज भी ना करो, क्योंकि जिसके जैसे संस्कार है वैसा ही होगा। लेकिन मैं पूछता हूँ, अगर आपको आज 50,000 रुपये बोला जाए आपको रोज मिलेंगे रोज, और आप हरिनाम की सिर्फ 16 माला करो, दोनों 16 माला करो, तो कितने लोग हैं जो 50,000 रुपये जिनको रोज दिए जाए वो 16 माला नहीं करेंगे, सच सच बताना, सब करेंगे ना। तो देखिए आपको पैसे की वैल्यू पता है, तो इसीलिए आप ये मत सोचिए पैसा तो यही रह जाएगा, जितना मर्जी कमा लीजिए, जितना मर्जी बड़े बड़े अरबपति खरबपति पूरे संसार के राजा चले गए, सारा धन ही रहेगा। लेकिन जाएगा क्या, जो जाएगा उसको इकट्ठा कीजिए। जैसे एक व्यक्ति क्या करता है, कहा जाता है वैष्णो देवी जाता है, जैसे मान लो कोई जो अनंत कृष्ण के अनन्य भक्ति में नहीं है तो वो क्या करेगा, अगर 10 दिन के लिए जा रहा है तो 10 दिन की पूरी तैयारी करेगा कि मुझे क्या क्या चीज चाहिए, वहां पे कपड़े चाहिए, पैसा चाहिए, जो भी टिकट चाहिए वहां की, तो वो चीजें इकट्ठी करेगा। ठीक है, तो लेकिन वहां पे 10 दिन के लिए वो इतना सोच रहा है, तो सोचो हमारी यात्रा कितनी लंबी है जिसको हमें तय करना है, अगर उस समय जो चीज हमें चाहिए वहां पे जाने के लिए वो चीज हमारे पास अवेलेबल नहीं होगी तो हमें कितना दुख कष्ट होगा। अगर आप वैष्णो देवी चले जाओ और आपके पास पैसे जो है वो घुस जाए तो आपको कितना कष्ट होगा, होगा कि नहीं, या वहां से कुछ मान लो आपका सब कुछ घूम जाए फिर कैसे करोगे, पैसा होना चाहिए। तो इसलिए ये तो यहाँ की संपत्ति है, लेकिन जो वहां की संपत्ति है वो क्या है, हरि नाम। संपत्ति वास्तव में किसको बोलते हैं, संपत्ति उसको बोलते हैं, अर्थ उसको बोलते हैं जो कि हमारी विपत्ति में हमारी सहायता करे। लेकिन जब हम मृत्यु हमारे सर पे होगी, जब डॉक्टर हमें बोल देंगे आप अब भगवान के पास जाओ, उस समय हमारी भगवान भी नहीं सुनेगा, क्यों, क्योंकि हमने पूरी जिंदगी भगवान के पास गए नहीं, लेकिन फिर भी भगवान इतने दयालु है वो फिर भी सुन लेते हैं। लेकिन जब तक हम भगवान का नाम नहीं करेंगे तब तक हमारा मंगल नहीं हो सकता। अब महाराज जी प्रभु जी आदेश हुआ है, मैं शेष कर दूं, हरे कृष्णा। श्रीधर महाराज के चरणों में अनंत
प्रणाम पूज्य पादरोनी नंदन प्रभु के चरणों में अनंत कोटि नमन प्रणाम सभी वैष्णव वैष्णवी उपस्थित जय गुरु भाई बहन सबके चरणों में यथाजत दंडवत दरअसल नाम की महिमा गुरुदेव की महिमा वैष्णवों की महिमा इन सब के बारे में बोलने का अधिकार उसको है जिसके पास उसकी अनुभूति है। मेरे अपने पास अभी वो अनुभूति वो अनुभव जो इन वैष्णवों के पास है, कैसे गुरुदेव के साथ इनका प्रेम, कैसे इनके पास गुरुदेव का विरह, कैसे इनके पास वो हरि नाम के प्रति लगाव, कैसे इन लोगों के पास इस हरि नाम के प्रति आसक्ति, कैसे इन लोगों के पास वैष्णवों के प्रति आदर सम्मान, मेरे पास नितांत अभाव। इन सब बातों का ना गुरुदेव के चरणों में वो प्रेम, ना हरि नाम के प्रति वो प्रेम, और ना वैष्णवों के प्रति वो प्रेम, वो आदर, वो सम्मान जिसके ये जिसको डिजर्व करते हैं ये लोग, जिसके अधिकारी हैं ये लोग, मेरे पास नितांत अभाव। लेकिन एक विश्वास, एक अनुभव कि इन लोगों की बात सुन के, इन लोगों की संग करके ये जरूर हुआ कि निश्चित रूप से कल्याण इसी में है, होगा इसी से, किससे? हरि नाम से। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरंजना। इस बात पे जरूर विश्वास हो गया। उसका कारण ये कि मेरे पास बहुत सारी जिम्मेवारियां थी, बहुत सारी टेंशन्स थी और बहुत सारे प्रोग्राम्स थे, बहुत सारी इच्छाएं थी, लेकिन मेरा भाग्य अच्छा था। भगवान ने किसी पूर्व जन्म की सुकृति के कारण, क्योंकि इस जन्म में तो ऐसा कोई काम नजर आता नहीं कि जिसके कारण ये लाभ मिल सके, उन सुकृतियों के कारण मैं प्रभु जी के चरण में पहुंचा और वहां से गुरुदेव की शरण में पहुंचा और फिर इन लोगों का आशीर्वाद मिला, इन लोगों का आश्रय मिला और उस आश्रय में मैंने ये अनुभव किया कि मुझे किसी जिम्मेवारी के बारे में सोचना नहीं पड़ा, मुझे किसी प्लानिंग के बारे में, किसी अपनी इच्छा के बारे में, मुझे किसी अपनी आकांक्षाओं के बारे में कभी चिंतन करने की आवश्यकता नहीं हुई। केवल एक बात इन्होंने कही कि हरि नाम करो, बाकी सब काम अपने आप हो जाएंगे। इनके चरणों में बैठ के हरि नाम के प्रति ये जो श्रद्धा उत्पन्न हुई उसने मेरा जीवन बदल दिया। मैं तो केवल इतना आया तो बहुत देर से और कुछ ज्यादा कहने का अधिकारी भी नहीं हूं, लेकिन ये विश्वास दिला सकता हूँ कि जैसे मेरा कल्याण हुआ वैसे हम सब भाई बहनों का सबका हो सकता है और इसी हरि नाम से हो सकता है और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ये साधु आज अगर हमारे घर में हैं, हमारे समक्ष हैं, हमारे सामने बैठे हैं, तो इसको हम समझें कि हमारे पूर्व जन्मों के सारे यज्ञ जो हैं आज फलीभूत हो गए। अगर हमने पूर्व जन्मों में यज्ञ किए हैं, तीर्थ यात्राएं की हैं, गंगा स्नान किए हैं, उनका फल हमें आज किस रूप में मिला कि ये संत लोग हमारे सामने बैठे हैं, चल के आए ना हमारे पास, तो ये फल है हमारे लिए उन सुकृतियों का
और उन सुकृतियों का ये जो फल मिला, इस फल को आज हम ग्रहण करें, इसको अपने साथ लेके जाएं, इसको अपने मन में बसा के इस आशा के साथ कि अब हमारा कल्याण निश्चित है, अब इस कल्याण को कोई रोक नहीं सकता, कोई कारण नहीं है। और क्योंकि अगर मैं यहां तक आ गया तो अब मेरी प्यास बुझने वाली है, अब मैं प्यासा नहीं रोक सकता। इन्हीं शब्दों के साथ और इस प्रार्थना के साथ कि गुरुदेव, ये वैष्णव, इस सब लोग हम पे कृपा करें, हमारी आस को बंधाए रखें, हमारी श्रद्धा को बरकरार रखें और हमें आशीर्वाद दें कि हम इस मार्ग में और आगे बढ़ सकें और इस प्रेम को प्राप्त कर सकें। वांछा कल्पत रूपेश कृपा सिंधु पतिता नाम पावन गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम ज्ञानदीमिरांधस्य ज्ञानञ्जनशलाकय दशरूपनीतम येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपेष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमो विष्णुपदाय आचार्य सिंह रूपिणे श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपेष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार और जोर से बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। अभी भी आवाज इतनी जोर से नहीं आ रही। सबसे पहले आप जाने की अब व्यास पूजा चल रही है। व्यास पूजा में गुरुदेव की जो लीला चल रही है, हम किसके शिष्य हैं? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। एक जंगल में बहुत सारे जानवर आपस में लड़ रहे हैं, बहुत सारे जानवर आपस में गुटों में लड़ रहे हैं। जैसे उस जगह शेर आ जाता है, शेर की गर्जन सुनने के बाद वो आपस में लड़ेंगे कहीं नहीं लड़ेंगे, सब की सब दुम उठा के भाग जाएंगे, छुप जाएंगे। तो उसी तरह जो हमारी ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय से जो धारा बहती आ रही, हम उस शेर के बच्चे हैं। आपने उस शेर के बच्चों से ऐसी दीक्षा ली हुई है, उस शेर से दीक्षा ली हुई है आपने, जिनके अनुगत में यहाँ पे महाराज जी प्रभु जी बैठे, ऐसे उससे नहीं है, इनके अनुगत के कम से कम दिखा तो दो हम ही उस शेर के बच्चे हैं। बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, यही हमारे पास उत्साह होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं सर्वप्रथम अपने आराध्य देव गुरुदेव त्रिलला प्रविष्टो विष्णुवाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में जन्मदल अर्पित करते हुए, हमारे मंच में हमारे श्री पूज्यपाद हमारे भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के श्री चरणों में जन्मदल अर्पित करते हुए, और मेरे शिक्षा गुरु हमारे पूज्यपाद श्री रोहिणी नंदन प्रभु जी है, उनके चरणों में जन्मदल अर्पित करते हुए, जितने भी मेरे गुरु भाई और गुरु बहने मातृबिंद्र भातृबिंद्र सब आप लोग यहाँ पे विराजमान हैं, सबके श्री चरणों में मेरा यथा यथा जन्मदल प्रणाम स्वीकार करें। ये जो वाणी है, जो मेरी है, ये मेरी नहीं है, ये सब परंपरा से दी हुई है और प्रभु जी के हृदय से महाराज जी के हृदय से मेरे तक आई है। ये मेरा अहोभाग्य, मेरा अहोभाग्य, जितनी मैंने इस भक्ति साधन के अंदर जितना मैंने आचरण करा है उतनी मेरे मुख से निकली थी, निकलेगी, और उन्होंने तो बहुत कुछ दिया है जिसको मैं धारण नहीं कर पाया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो महाराज जी ने बोला है कि हरिनाम संघ कीर्तन के ऊपर ही आज ज़्यादा बोलना है, तो हरिनाम संघ कीर्तन की जो महिमा, जो धारा कहाँ से बहती आ रही, जैसे हमारे गंगा जी जो बहती आई, कहाँ से बहती आई,
गंगा जी को कैसे प्रकट किया और वो गंगा जी बहती बहती और सबको कल्याण करते करते महासागर में गंगा सागर में चली जाती है। भागीरथ जी जैसे जैसे लेके गए और सबका उद्धार करते गए वो गंगा जी थे। और ये भी एक हरिनाम रूपी गंगा वो भगवान के चरणों से बहती और भगवान से मुखाग्नि से बहती बहती कहां से आई, कृष्ण हैते चतुर्मुखा हय कृष्ण सेव मुख और ब्रह्मा हैते नारद मति, कहां से वो कृष्ण के श्री मुख से ब्रह्मा जी से होते हुए नारद जी से होते हुए वेद व्यास जी से होते हुए धारा बहती बहती कहां से आई, ये हमारे पास आई जो आपके पास आई है। और आपके पास आई कैसे, ऐसा शुद्ध परंपरा ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय, क्योंकि व्यास पूजा का थोड़ा सा विषय है तो उसी के अंदर से ये हरिनाम बहती बहती आज महाराज जी के मुख से प्रभु जी के मुख से और आपको सुनाई दिया। महाराज जी ने बड़ी सुंदर कीर्तन करके आपको सुनाया, ठीक है। ये हरिनाम तो जैसे महाराज जी ने सबसे पहले जगन्नाथ जी की महिमा कितनी सुंदर आपको कथा सुनाई उसको आप हृदय में बसा के ले जाइए, फिर महाराज जी ने हरिनाम की महिमा, फिर प्रभु जी ने किस तरह से गुरु महाराज की वो महिमा गाते हुए और बाद में हरिनाम की महिमा, फिर हमारे नवीन कृष्ण प्रभु जी ने फिर वो हरिनाम की महिमा और हमारे तमाम कृष्ण प्रभु जी ने भी वो हरिनाम की महिमा आपको दिया है। तो संपूर्ण तो आपको हो गया है तो मेरे पास कोई बचा नहीं है, फिर भी गुरु वैष्णव की ऐसी कृपा से थोड़ा समय अपना जो हमने प्रभु जी से सीखा है वो मैं आपको बताता हूँ कि मेरा भक्ति मार्ग में जब आना है तो प्रभु जी ने कृपा करी कब, 1993 ये अप्रैल का महीना था और इस्कॉन यूथ फोरम जो करोल बाग में चलता था उस दिन मुझे एक बहुत ऐसा सपना आया, इस सपने का मैं आपको वर्णन करता हूँ क्योंकि इससे पहले मैं जैसे महाराज ने बोला कि जगत जननी जो दुर्गा जी उनकी बहुत भक्ति करता था और हनुमान जी के जिनकी पूजा के बिना कभी जल ग्रहण नहीं करी, कभी ऐसा जब तक मैंने होश संभाला कभी ऐसा नहीं करा। उस दिन एक ब्रह्म मुहूर्त में एक सपना आया कि उस सपने में वैष्णो देवी से पहले एक पहाड़ है, उस पहाड़ से बहुत बड़ी दुर्गा जी की जो जगन जननी उनकी जो है सिर विग्रह ऊपर आती है और आके मैं वहां पे खड़ा हूँ और उधर देखता हूँ कि बहुत सारे गंजे जो भक्त हैं वो हरी बोल करके उछल रहे हैं। तो मैं ऐसे देखता हूँ और वहां पे दुर्गा जी माता जी कहती हैं कि बेटा अब तुम्हारा मार्ग इधर है, तुम इधर जाओ बेटा इधर जाओ। तो जैसे मैं उधर गया तो दाएं हाथ में हनुमान जी खड़े हैं गदा लेके और भी हंसे हंसे हरी बोल कर रहे हैं और मुझे मार्गदर्शन दे रहे हैं आगे। तो जैसे मैं आगे गया तो बहुत सारे भक्त लोग हरी बोल करके उछल रहे हैं। तो जैसे मेरी आंख खुली ये कैसा सपना है, तो सपना है खैर मैं अपने 9:30 बजे दुकान पे गया तो उस दिन शाम को ऐसे ही कीर्तन हरिनाम होते होते गफार मार्केट के अंदर आया। तो जैसे ही मैंने अपने जैसे सपनों में मैंने जो देखा था वही वहां पे आई और हरी बोल करके सारे भक्त नाच रहे थे। तो उसी में करते करते हमारे वेद व्यास प्रभु जी एक प्रसाद लेके मेरे दुकान पे आए कि ये प्रसाद ले लो। तो जैसे ही मैंने उनसे प्रश्न पूछा कि प्रभु जी भाई साहब यहाँ पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे ऐसे मुझे स्वप्न दर्शन हुआ है, तो उन्होंने कहा चलिए। तो शाम को 6:45 बजे का टाइम था, मैं अपनी दुकान की शटर बढ़ा के और लड़के को बोला तुम जाओ और चल के मैं चल पड़ा और चलते चलते उन्होंने इतनी बड़ी प्रभुपाद की भक्ति विधान स्वामी श्री प्रभुपाद की श्री बिगड़े के लेमिनेशन इतनी थाली मैंने यहाँ पे डाल दिया और मैं पकड़ पकड़ के चल रहा हूँ और लोग हंस रहे थे। तो हरिनाम की महिमा ये है कि वहाँ पे जब प्रभु जी के वहाँ पे जहाँ प्रचार होता है प्रभु जी के निवास स्थान में जैसे ही वहाँ पे जाके मैंने प्रश्न पूछा तो प्रभु जी बताते गए और उससे ही अगले दिन से मैंने 4 माला शुरू करी, उससे अगले दिन 8 माला, फिर 16 माला, फिर अनेकों माला होती गई। तो ये हरिनाम की महिमा किससे, वो ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय से वो मेरे पास आई। ये इतनी बड़ी महिमा तो तब से अभी तक ये हरिनाम गुरु वैष्णव की कृपा से अभी तक चल रहा है। तो पहले हमारे संप्रदाय के अंदर पहले क्या था कि जात विवाद बहुत थी, केवल ब्राह्मण ही इस हरिनाम को दे सकता है, ब्राह्मण ही कोई दीक्षा दे सकता है। हमारी संप्रदाय में ऐसे बहुत सारी ऐसे देखने को मिला सुनने को मिला, हमारे परंपरा में कई लोग जैसे नरोत्तम दास ठाकुर और भी अन्य अन्य लोग जो वैष्णव परम वैष्णव जो भगवान धाम से यहाँ पे प्रचार के लिए आए थे, हरिदास ठाकुर जैसे मुस्लिम थे
है ना, जिनको नामा आचार्य दिया जाता उनका पद है, नामा आचार्य उनसे ज्यादा, नामों के सबसे बड़े आचार्य हैं। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी महिमा की वैष्णव कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, किसी भी बिरादरी में प्रकट हो सकते हैं, और वहीं पे आके उन्होंने हरि नाम को प्रचार किया, पूरे संसार को जितने भी लोग थे उनको पवित्र किया और उनको भगवत धाम वापस ले गए। तो यहाँ पे कोई जात बरादरी बिरादरी के कोई चक्कर नहीं है, किसी भी संप्रदाय में आप हैं, कहीं भी हैं, जैसे भी हैं, महाप्रभु ने कहा कि जिस स्थान पे जैसी जैसी जगह आप हो उसी स्थान पे हरि नाम कर डालो, सोचो मत। क्यों? क्योंकि अभी तक हम लोग क्या हैं, हम लोग के जो जीवन बीता है इससे पहले आहार निद्रा भय और मैथुन में पीछा, ये चार काली कौन, आहार मतलब खाना खाना, निद्रा मतलब सोना, आहार निद्रा भय मतलब अपनी और परिवार की रक्षा करना और बच्चे पैदा करना। ये तो भाई बाहर कुत्ते बिल्ली कितने सारे कर रहे हैं, सुअर कितने सारे बच्चे पैदा करता है, कितने सारे बच्चों का पालन पोषण करता है, बड़ा कर देता है, हैं? ये तो हमने सुअर की योनि में कुत्ते की योनि में कितने आगे करा होगा, परंतु यहाँ पे क्या धर्म ही विशेष हो। अब आपको 84 लाख योनियों के अंदर जो 4 लाख किस्म के जो मनुष्य योनि मिली है, वो भी पहली योनि कहाँ मिली होगी आपको, वो साउथ अफ्रीका के घने जंगलों में जहाँ नंगे रहते थे, केवल जिंदे जानवर के मांस नोच के खाते थे, वहां से जन्म लेते 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 आप इस भारत भूमि में, देव भूमि में, जहाँ पे साधु संत हैं, जहाँ गंगा यमुना जी बहती हैं, जहाँ भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, इतनी पवित्र धरती के अंदर आपका जन्म हुआ है, लगभग आखिरी जन्म है। अगर यही जन्म अगर आपने हरि नाम को धारण नहीं किया, हरि नाम नहीं लिया, तो आप अगर फिसल गए तो फिर गए भैया, जैसे प्रभु जी ने बताया था कि कहाँ पे चित्रगुप्त कहाँ है, वो सब आपके नोट कर रहा है कि आपने कितने कितने भोग किया, कितने कितने भोगों के इंद्रियों को आपने तृप्त करी है, वो इंद्रिय जिनको भगवान के चरणों में लगाना था वो आपने अपने लिए कितने भोग विलास में आप डूबे रहे, वो सब नोट हो रहा है ऊपर, और वही यमराज जी आपको सजा देने वाले हैं। अनेकों प्रकार की जो नरक है उस नरकों के अंदर पहले जाना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको 84 लाख योनियों में सबसे पहले जानवर, शेर, मछली, है ना, उड़ने वाले पक्षी, जलतर, थलतर, सब कुछ बनते बनते फिर 84 लाख में जब मनुष्य वही साउथ अफ्रीका के जंगलों में जाके वो फिर जिंदा मांस आपको खाना पड़ेगा, जानवर खाने पड़ेंगे। भाई ये अति सुंदर मौका है कि ऐसे वैष्णव जो आपके पास है ना, ये ऐसे नहीं है, आपने सोच ले कि ऐसे नहीं है, उन्होंने ये ऐसे ऐसे के शिष्य है हमारे भक्तिवेदांत श्रीधर महाराज। कौन है? भक्ति नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति स्वरूप सिद्धांति महाराज, उनके शिष्य जिनके अंदर बड़े बड़े प्रिंसिपल, बड़े बड़े स्कूल के प्रिंसिपल, आचार्य, कॉलेज के आचार्य उनके जापे जाके सर दंड प्रणाम करते थे और सबको उन भगवान की सेवा में लगाते, उनमें से ये हीरा है, ये उन्हीं के शिष्य है हमारे पूज्यपाद रविनंदन प्रभु जी, जिन्होंने भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के सारे ग्रंथ को 9-9 बार जिन्होंने उसको अध्ययन करके हृदय में धारण किया है। और ऐसे नहीं है भौतिक जगत में बड़े बड़े कॉलेज से एजुकेशन करके आए हुए हैं जो आपके पास कोई फीस नहीं लिया, कोई फीस नहीं है। अगर आप कहीं और जाना, वैसे घर में हवन करना है तो सबसे पहले घर में बजट होती है कि 2100 का है, 3100 का, 5100 का होता है ना, और जिसमें कुछ वैदिक मंत्र नहीं आता उनको वो आके हवन के लिए आपके पास पैसे लेके चले जाते हैं। अब बोलो कहीं कीर्तन कराना है, कहीं भागवत कराना है, देखो लाखों लाखों रुपया है। और यहाँ पे वैष्णव लोग क्या है, वो निष्काम भाव से इस परंपरा से जो गुरुदेव से आई वो हृदय में धारण करके जो हम लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट किसी तरह संसार में भोग विलास में लगे हुए जो जीव है उनको पता है कि हमारा अगला जन्म कहाँ होने वाला है, कैसे ये मरने वाले हैं, तो ये उसको दया करके हम लोग को बचाने आए हैं। ये ऐसे सद्गुरु के अनुगत में वो रस को इन्होंने पिया है, वो रस लेके हम लोग को उस प्रेम रस को देके लेने के लिए इस संसार में हम लोग को आए। जगह जगह जाते हैं कि देखो जीवात्मा कितना दुखी है, कितना दुखी है, इसलिए हमारे पास बहुत अच्छा मौका है। अगर ये मौका छूट गया, जितना भी गुरु भाई गुरु बहनों से मेरी यही प्रार्थना है कि इस मौके को मत गवाइए, और ये अगर मौका छूट गया तो दोबारा ऐसा माहौल आने वाला नहीं है। ये आप लोग जानते हैं कि जो गुरुदेव से दीक्षित थे तो गुरुदेव के टाइम जो माहौल था आज वो
नहीं है, फिर भी जो गुरुदेव के अनुगत में जो उनके हृदय में उन्हीं की वाणी को लेकर चल रहे हैं, तो फिर भी ये मौका बचा हुआ है। आप लोग इस मौके को पूरे फायदा उठाइए और गुरु वैष्णव के संगत होइए, और उन्होंने जो आपको उपदेश सुनाया है उसको हृदय में धारण करिए, क्योंकि रामचरित्र मानस में तुलसीदास जी क्या बोलते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब कहे अपना विचार, तुलसी कहे जिन्हों हरि न भतिया चारों जमा। तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि ब्राह्मण बड़े ज्ञानी, क्षत्रिय बड़े हटीला, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बहुत अमीर व्यापारी हो, और शूद्र जो नीचे के खेती बाड़ी का कार्य करते हैं, वो कहते हैं सब अपना विचार, सब अपने अपने बंधत्व को सामने रखते हैं। और तुलसी जी क्या करें, तुलसीदास जी क्या करें, जीने हरि ना भजिया चारों चमार, जिससे उस हरि का भजन नहीं करा वो क्या है, चारों उस चमार के समान है। इसलिए आप लोग को बड़ा मौका है, आप मत देखिए हम किस बरादरी में कहां क्या है, जो हरि नाम ले रहा है वही सर्वकोटि उच्च कोटि का है, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग को बड़ी सावधानी से वैष्णव लोग बोलने आए हैं, आपको वार्निंग देने आए हैं। क्या वार्निंग है, इदम शरीरम परिणाम फिसलम, ये जो शरीर आपको मिला है, इदम शरीरम परिणाम फिसलम, ये क्या है, शरीर फिसल रहा है, रोज रोज सूर्य उदय हो रहा है, रोज सूर्य अस्त हो रहा है, आपके 24 घंटे वो हर के क्या करता है, ले जा रहा है आपको बुढ़ापे की ओर जा रहा है। जो बच्चे हैं जवान की ओर जा रहे हैं, जो जवान है बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं, और जो बूढ़े हैं वो कहां जा रहे हैं, उस मौत की तरफ जा रहे हैं, और चार पाई में बैठ के पार्कों में बैठ के उस मौत की इंतजार कर रहे हैं। इदम सैनम परिणाम विश्लम पततिम अवश्यम सब शक्ति झरझरम, एक दिन क्या होगा इस शरीर का, सारे टुकड़े झरझर हो जाएंगे, ये खत्म हो जाएगा, ये हमेशा यौवन ऐसा नहीं रहता। आज से 30-40 साल पहले के हीरो हीरोइन देखो, आज देखने का दिल नहीं करेगा उनको, क्योंकि सब फिसल गए। एक दिन क्या होगा, सब सभी हर जन्म ये सब टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, सब हड्डियां सब अलग अलग हो जाएंगे। अब करना क्या है, किम और सभी पीवम और मन दूर मते, कि वो पागल मन, और हमें क्या करना है, कौन सी औषधि लोगे, कौन सा इलाज कराओगे। अगर इंश्योरेंस है तो डॉक्टर बहुत सारे बिल हॉस्पिटल में लगा देते हैं, पता लगना चाहिए इनके इंश्योरेंस है तो सारे हड्डियां जोड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ना भी जुड़ेगा 5-5-10-10 दिन वेंटिलेटर में रखेंगे और बिल को बनाते रहेंगे, इधर ये बिल चलने वाला नहीं है। निरंतर कृष्णम रसायम पीवा, अब क्या करो, हमारे पास एक ही इंश्योरेंस है, वो क्या है, निरंतर कृष्णम रसायम पीवा, अब क्या करो, निरंतर भगवान कृष्ण का प्रेममय रस, वो भगवान नाम का आस्वादन करो, यही वो रस है, वो क्या है, क्या है वो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये आपको बेसिक चीज बताया गया, इसके अंदर जब भक्ति मार्ग में प्रवेश होंगे फिर इसके बाद फिर नाम की महिमा शुरू होती है, भगवान की महिमा शुरू होती है। सबसे पहले हम अपनी संसार की काम वासना आहार निद्रा भय मैथुन जो जानवर वाली जिंदगी है उससे उठ के थोड़ा सा अपने आप को स्थल उठा के मनुष्य योनि में आए, जो मनुष्य योनि में आ चुके हैं वो आगे भक्त की योनि में चले जाए, जो भक्त की योनि में आतल हैं वो अब शुद्ध भक्ति को और अपना आगे बढ़ते रहे प्रवेश करें। वंशा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु हे वचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव प्रभो नमो नमः। ये जो प्रोग्राम है हमारे महाराज जी ने लगभग आज से 1 साल पहले आके इसको शुरू करवाया था, महाराज जी ने 2 साल हो गए, कितना हो गए हमारे, 1 साल हुआ, तो 1 साल हुआ महाराज जी ने शुरू कराया था, तो उनकी कृपा से हमारे पूज्य बाप रोहिचंद प्रभु जी उनकी अति कृपा इस प्रोग्राम के अंदर हुई, तो उन्हीं की कृपा से ये 2 प्रोग्राम चल रहा है। तो आप लोग से अनुरोध है कि हर शनिवार को यहाँ पे 7 से 9:30 बजे तक ये प्रोग्राम को रखा जाता है, जिसके साथ प्रसादम सब कुछ इसमें होता है। तो आप लोग से प्रार्थना है कि हर शनिवार को यहाँ पे आप लोग जरूर आएंगे। पंचाकल तरु वैश्य कृपा सिंधु हे वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।